मसूर की दाल, जब भी नाम सुनते हैं ना तो ऐसा होता है कि यार मसूर की दाल नहीं पसंद है। स्पेसिफिकली दाल के फॉर्मेशन में फिर भी तड़का डाल के या कुछ ना कुछ उसमें फ्लेवर्स यूज़ करके हम लोग खा लेते हैं, बट फिर भी वो मज़ा नहीं आता इतना। इसीलिए आज मैं जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इट्स अ वन पॉट मील, वेरी हेल्दी डिश, और मेरी एक महाराष्ट्रियन फ्रेंड की ये रेसिपी है, सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। नमस्कार, मैं हूँ अनिल कोटक। आज हम बनाने वाले हैं मसूर भात। मसूर भात बहुत इजी है, डायरेक्ट कुकर में ही बनाएंगे, पर उसके पहले उसका एक मसाला बनाएंगे। धनिया लेंगे, होल धनिया, लौंग, जीरा, साबुत काली मिर्च, ग्रीन इलायची, इस सबको पीस लेना है। बहुत फाइन पाउडर नहीं करना है, थोड़ा दरदरा सा पीसना है। मसाला तैयार है, भी फाइनल तड़का कुकर में। जब भी कुकर में राइस बनाने हैं तभी हमेशा राइस को भिगोने का नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम भिगो के चावल को तो वो खिचड़ी जैसे हो जाएंगे, ओवर कुक हो जाएंगे। इसलिए अभी मैंने जो राइस लिए है वो भिगोए बिना वाले लिए है, ठीक है। उसको सिर्फ पानी से क्लीन करके फिर यूटिलाइज करना है। ऑयल, थोड़ा सा घी, जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग, तेज पत्ता, लाल मिर्च एक टच, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक। इसमें जितने भी फ्लेवर्स हैं वो फ्लेवर्स सारे स्ट्रॉन्ग रखने हैं। बारीक कटा हुआ प्याज, ग्रीन पीस, जो मसाला बनाया था वो डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, मसूर डालेंगे, मसूर को 5 से 6 घंटे भिगो लेना है, भिगोने के बाद उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। चावल, अच्छे से उसको ऑयल में भूनना है, जिससे जितने भी फ्लेवर्स हैं वो सारे फ्लेवर्स मसूर में और चावल में आ जाएंगे। अभी डालेंगे पानी, बस अभी कुकर बंद करके 3 विसल और मसूर भात तैयार। बहुत अच्छे से चावल और मसूर दोनों पक चुके हैं। अभी इसमें ऊपर से डालेंगे टमाटर, नींबू का रस, ऊपर से घी, धनिया। सो
बहुत हेल्दी वन पॉट मील, और बच्चों के लिए जिनको मसूर नहीं पसंद है उन लोग के लिए परफेक्ट रेसिपी है।